त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं। अच्छा, सबसे पहले कि आप त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी सी, ए बी की भुजा है यहाँ पे, ए बी की, ए बी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु है यहाँ पे डी, ठीक है, और ए सी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु है आपके पास ई, ठीक है। अब कह रहा है कि डी बराबर 2.6 दिया है, डी बराबर 2.6 सेंटीमीटर, तो बी सी बताइए। तो आपको पता है कि इसमें डी जो होता है ना वो आधा होता है बी सी का, या तो ऐसे कहिए कि बी सी जो होगा ना वो दो गुना होगा डी का, ये भी तो कर सकते हैं ना, ये दो आके इसमें गुना कर देगा तो 2 × 2.6 यानी कितना आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, चार तो बहुत ईजी है, करें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, यहां भर दीजिएगा आधी होती है, ठीक है। चलिए पांच नंबर